बहन का स्पेशल बुलेटिन खास मुलाकात। बता दें कि हाल ही में हमने एक के बाद एक पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटाले की लगातार पोल खोली है, लेकिन लगातार सामने आ रहे घोटाले से इस विभाग पर एक बार तो विश्वास ही उठ चुका था। मामले पर और भी ज्यादा रिसर्च करने पर देखा गया कि विभाग में कुछ अधिकारियों का रिकॉर्ड कतई बेदाग नजर आया। बता दें कि घोटाले के शोर में कुछ अधिकारियों के रिकॉर्ड देखने पर उनको कीचड़ में कमल कह दे तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। आइए मिलवाते हैं आपको पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अधिकारी से जिनका नाम है संजय पवार। आइए जानते हैं कि कैसा उनका पूरा अनुभव रहा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ पर आने के लिए, और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने यहाँ पर आज आए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा इतना विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग जो भी आजकल सुर्खियों में है घोटाले को लेकर भी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने पूरे कार्यकाल में इतना मतलब बेदाग तरीके से काम सर कैसे इतना? वैसे आप जो बोल रहे हैं कि मैं अभी अहमदनगर जिले में काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में। जी सर, आप जैसे सोचते हैं वैसे कई घटनाएं हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी का नाम जो है वो बहुत अच्छे तरह से लिया जाता है। जी सर, क्योंकि महाराष्ट्र जो एक पूरा देश में जो है एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और महाराष्ट्र के अंदर जो अहमदनगर जिला है, अहमदनगर जिला पीडब्ल्यूडी में काम करता हूँ मैं। अहमदनगर जिले का भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं सुनी है सर, बहुत तारीफें आपकी हमने दरअसल सुनी है। तारीफ सुना है, लेकिन वो मेरी जो मेहनत है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का भी बहुत सपोर्ट है। मैं 1985 से पीडब्ल्यूडी अहमदनगर जिला में काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत से काम करें तो कुछ डिपार्टमेंट की भी इज्जत बढ़ जाती है, खुद की भी इज्जत बढ़ जाती है। सर बिल्कुल, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो अगर ठीक तरह से आप आजमाइश कर ले, कुछ सुनने आप उसके बाद अगर इम्प्लीमेंट कर दे, उस काम कर दे, तो फिर उसमें जो ये हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें डिपार्टमेंट को भी तकलीफ नहीं होती, बाकी को लोगों को भी तकलीफ नहीं होती। इस तरह से अगर काम किया तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे आपके कार्यकाल में आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि आपका आइकॉनिक, जिससे आपकी पहचान अच्छी बन गई हो, और मतलब वैसे तो खैर मैंने सुना है आपने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए हैं अच्छे समाज सेवा के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा काम जिस पर आपको खुद को भी प्राउड फील होता हो, ऐसा कोई काम? वैसे तो मैं आपने आपको बताया मैंने महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में अहमदनगर जिला में, मैं जिले का ही रहवासी हूँ, मैं श्रीगोंदा तालुका से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का रहवासी हूँ। मैंने 1985 से काम शुरू किया पीडब्ल्यूडी में, सिंस फ्रॉम जूनियर इंजीनियर टू अभी मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी अहमदनगर हूँ। मैंने 37 ईयर में से 35 ईयर मैंने अहमदनगर ज़िले में काम किया है। तो आप जो बोल रहे हैं पीडब्ल्यूडी का जो काम रहता है, जो ज़्यादातर रोड्स बनाना, जी बिल्कुल, जो ब्रिजेस बनाना और बिल्डिंग बनाना, ये ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी का काम रहता है। उसमें से आप जो बोल रहे हैं कि आइकॉन जो है, तो वैसे तो काम करते समय हमने मैंने कभी सोचा नहीं कि एक काम से मुझे कुछ पुरस्कार मिलेगा या कुछ मुझे शाबाशी मिलेगी। मैं करता गया मैं इस हिसाब से अभी 37 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। आइकॉनिक अगर काम बोल दिया तो वैसे मेरे ख्याल से दो है, एक अहमदनगर बाईपास जो है, अहमदनगर सिटी का जो बाईपास है, रिंग रोड जो है उसको बोलते हैं बाईपास बोलते हैं, वो 39 किलोमीटर का बाईपास है। उसमें पूरा काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम आपको मालूम है कि अगर किसान के अगर उसको मुआवजा नहीं मिल गया तो वो रास्ता बनाना नहीं देता, उसकी प्रॉब्लम उसकी जगह बराबर है। लेकिन जब प्रोजेक्ट करना है उसके लिए, अगर उसको उसका उसको एम मिल रहा है उसको, तो उसको समझाना वो जरूरी है। तो वो लैंड एक्विजिशन करते समय बहुत सारी दिक्कतें आ गई, किसानों को जाके उनसे मिल के उनको समझाया कि इससे आपको भी फायदा हो सकता है, आपको भी जो मुआवजा है लैंड एक्विजिशन का वो आपको मिल सकता है, इससे आपके लैंड के भाव भी अगर बढ़ सकते हैं, उसके स्टेट हाईवे बनाने इसके बाद वगैरह। तो समझाने के बाद फिर वो 39 किलोमीटर जो बाईपास था, क्योंकि नगर शहर इसे जो जो है तो जो स्टेट हाईवे जाते थे उसमें से नॉर्थ टू साउथ जो है उसको बोलते हैं मनमा टू सोलापुर, ये जो स्टेट हाईवे जाता था पूरा मल्टी एक्सल ट्रैफिक जो जाती थी इसमें नगर शहर से, तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, आम जनता को बहुत सारी असुविधा होती थी। एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके गए उसमें। तो इसमें
लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बाईपास जो है हमारे उस टाइम के जो अभियंता थे उनका बहुत हमारे नगर जिले की है सिटी फकीर साहब बोल के जो है उन्होंने बहुत मेहनत से बाईपास का ये अलाइनमेंट किया। उस अलाइनमेंट के से फिर हमने जो रास्ता बनाया लैंड एक्विजिशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 2 साल से कम से चार साल गया। मैंने सुना है कि आपने एक एक पर्टिकुलर किसी काम पर एक अच्छे से रिसर्च भी की और फिर उस पर अच्छे से सुधार का काम किया आपने, मैंने कुछ ऐसे चर्चाएं आपके बारे में काफ़ी सुनी है। हाँ वही, फिर ये मैं जो बोल रहा हूँ रिंग रोड का जो बोल रहा हूँ जी सर, तो लैंड एक्विजिशन के पहले हमने काम शुरू कर दिया, लोगों को इशू लिया क्योंकि लैंड एक्विजिशन के उनका जो मुआवजा था वो हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया था। लोगों को बताया कि हमने ऑलरेडी पैसा आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास दिया है, आपको खाली सब पूरा प्रोसेस होके आपको मिलना है, यानी पैसा ज़्यादातर किसान अपनी खेती क्यों नहीं देता, क्योंकि उसको खेती जाने के बाद पैसा मिलने में 10 साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं, फिर वो घिसटता जाता है और उसको फिर परेशानी हो जाती है पैसा मिलने में। तो हमने ये बताया, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये लैंड एक्विजिशन के पूरा पैसा जो है डिपॉजिट कर दिया है, ऑलरेडी पैसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है, प्रोसेस होने के बाद आपको पैसा मिलने वाला है और आपका जो खेती का जो है वो रेट भी मिलने बढ़ जाएगा क्योंकि वो स्टेट हाईवे आपके खेत से जाता है, आप हाईवे के ऊपर आ जाते हो। इस हिसाब से उनको दिलासा दिया, फिर वो उन्होंने हम काम करते गए। वो 39 किलोमीटर जो अभी बाईपास है अभी नेशनल हाईवे बन गया है, अहमदनगर शहर की जो शहर में से जो हेवी ट्रैफिक जाती थी अभी वो बाईपास से जा रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे ख़त्म हो गए हैं। और वो जो ऐसा काम किया है इसमें अहमदनगर शहर के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, डिपार्टमेंट की वजह से हमने जो मेहनत की, हमारी टीम ने जो मेहनत की, मैं तब डिप्टी इंजीनियर था, मेरे टीम ने जो मेहनत की, मेरे जो हायर ऑफिसर थे उन्होंने जो कोऑपरेशन दिया, वो एक बहुत आइकॉनिक काम मेरे तरफ से हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। सर कभी कोई ऐसा काम जिसमें आपको कभी मतलब लगा हो कि एक चुनौती आपको मिली हो कि ये मुझे करके दिखाना है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के काम जो होते हैं उसमें सब कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, शोर भी आता है, शिकायतें भी आती हैं, तो कोई ऐसा काम जिसमें आपको लगा हो कि ये चुनौती है और उसे आपने पूरा किया हो सर? अब दूसरा एक काम आपने जो आइकॉनिक बोल रहा होता, मैं जैसे आपको बताया कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम ब्रिजेस बिल्डिंग और रोड्स बनाते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अहमदनगर का जो है रेवेन्यू की जो बिल्डिंग है, महसूल की जो बिल्डिंग है, महाराष्ट्र महसूल की, वो बहुत साल से काम स्लो चल रहा था, 6 साल से काम नहीं हो रहा था, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे। शुरू में उसको जगह नहीं मिल रही थी, जगह मिल जाने के बाद उसको वापस फिर से प्लानिंग करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाई उसमें हुई, फिर बहुत से प्लान बदले, इस हिसाब से फिर बाकी फंडिंग के प्रॉब्लम आ गए और बाकी ऐसे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम करते समय उसको 6 साल बाकी। जब मैं 2 साल पहले 2020 में मैं जब नगर हेडक्वार्टर में एज एग्जीक्यूटिव आया बोल के आया तो फिर मैंने देखा कि बिल्डिंग ये किया है और जब काम शुरू हो गया था तब महसूल मंत्री नामदार श्री बाला साहब थोड़ा थे, अभी भी वो वही थे, तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि आपने कोई बिल्डिंग अपना पूरा करना है। तो हमारे डिस्कशन होने के बाद फंडिंग का प्रॉब्लम जो बताया तो फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फिर उन्होंने फंडिंग का पूरा एक मुआवजा कर दिया, फंडिंग अवेलेबल करके दिया, तो फिर वो अभी आप दिसंबर में अभी उसका इनॉग्रेशन हो गया है उस बिल्डिंग का, तो महाराष्ट्र रेवेन्यू में महसूल में ये पूरा एक आइकॉनिक बिल्डिंग हुआ है, 6 मंजिली बिल्डिंग है, उसमें 6 मंजिली बिल्डिंग में वो आउटर और इंटीरियर का जो हमने काम किया है वो बहुत आइकॉनिक है और ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट जो हमने उसमें किया है उस हिसाब से वो बिल्डिंग का काम हुआ है और अभी महाराष्ट्र रेवेन्यू है महसूल में एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन चुका है। उसका जो पूरा जो आता है हमने टीम वर्क जो है पूरा टीम वर्क बोले तो पीडब्ल्यूडी का आप जो बोलते हैं वैसे हमारे सब ऑफिसर्स ने मिलके सेल्स फ्रॉम JA to CE और सेक्रेटरी और रेवेन्यू मिनिस्टर तो उन्होंने सब ऐसा टीम वर्क करके हमने सब पूरा काम कर दिया है और इतना अच्छा काम हुआ है कि वो हम सब आम आदमी कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाता है तो आम आदमी को सब पूरा सुविधा और अच्छा लगना चाहिए,
उस हिसाब से हमने पूरा बिल्डिंग और प्लानिंग करके हमने काम किया है। जी सर, अभी आप 31 तारीख को अभी आपका रिटायरमेंट हो जाएगा सर, तो जब भी, ये भी अच्छी बात है कि जब भी आप वहाँ से गुजरोगे तो आपको एक फख्र महसूस होगा कि यार ये मैंने मतलब चुनौती वाला काम यहाँ पे किया है। ये तो चुनौती वाला काम है, मुझे फख्र है। मैं तो, मैंने आपको ही बोल दिया कि मैं नगर जिले का रहवासी हूँ, नगर में ही मैं था और नगर में ही मैं रिटायर हुआ हूँ। और मैं, मुझे बहुत मैं एहसास करता हूँ मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सारा दिया, मैंने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस और मेरे मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ, फ्रॉम जेई टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और अहमदनगर ज़िले में काम करना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों की अगर परेशानी और जो आप बोलते हैं पॉलिटिकल लोगों की, अगर उनके जो, उनको भी लोगों को फेस करना जरूरी है, पॉलिटिकल उनको लोगों को फेस करना पड़ता है, उससे उनके सबसे उनकी जो ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, उनकी जो ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर काम कर दिया, डेवलपमेंट के काम कर दिए, अच्छे काम कर दिए, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या आप मतलब कुछ सेवा टाइप का कुछ काम या फिर घर पे अब आराम जो भी है? नहीं, अभी तो मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपको इतने काम करने की आदत लगी है, तो आप 1 जून के बाद आप क्या करेंगे? तो वैसे कुछ नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता रहा हूँ कि क्योंकि जब डिपार्टमेंट काम करता है तो अगर डिवोशनल अगर काम कर दिया तो आप पर्सनल जो आपके प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसको आप निगलेक्ट कर देते हो बाद उसी डिवोशन के बाद। फिर मैं अभी इस राय पे पहुँचा हूँ कि कम से कम मैं अभी फैमिली को मैं कुछ ये नहीं कर सका, मैं न्याय नहीं दे सका मैं, तो मैं 1 जून से तो फिलहाल 1 साल में मेरे फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, पूरा टाइम जो मैं कम से कम फैमिली के लिए देना चाहता हूँ। बाद में 1-2 साल के बाद, अभी तो बहुत सारा जुनून है, बहुत सारा ये है, तो मैं बाद में सोशल एक्टिविटी या कुछ ऐसा तो करना बहुत ऐसा, और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे है कि आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो। हम अपने परिवार को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, अभी इस दौर में आप आ जाओगे तो पूरा टाइम आप अपने परिवार को। बराबर सर, मुझे ये बताइए कि कभी आपके काम को लेकर परिवार के साथ कुछ, जैसे आपका जो प्रोफेशन है सर, उसमें आपको सुननी भी पड़ती है, बहस भी होती है, निशाने पर भी लिया जाता है, तो कभी ऐसे कुछ पर्सनल आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई सर इस चीज़ से? नहीं, वैसे आपको बताया जाए कि अगर अच्छे काम करने लगे तो उसको तकलीफें ज़्यादा होती है। तो वो तो डिपार्टमेंट भी होती है और बाहर भी होती है, घर में भी होती है। आपको मैंने जैसे बोला कि ड्यूशनल अगर काम करने लगे तो घर में थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता, तो फिर घर में भी, घर के लोगों के भी कुछ जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वो जिम्मेदारी कम, और बाहर के अगर डिपार्टमेंट के अगर ज़्यादा किया तो फिर वो तो होता ही है, ऐसा अनबैलेंस होता है। तो इस हिसाब से फिर भी मैंने, मुझे जो सपोर्ट मिला है, मेरे मिसेस पल्लवी का जो सपोर्ट मिला है, उसको मैंने बाहर समझाया कि कैसे ड्यूटीज है, कैसे काम करना पड़ता है, वो समझाया। अगर आपने आपको समझाया तो घर वाले भी समझ लेते हैं, और घर वाले को सपोर्ट नहीं रहा तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आपने इसमें एक ये है कि कहावत है कि जो सक्सेसफुल आदमी है उसके पीछे कोई तो भी एक लेडी औरत रहती है, ऐसा वो सही है मेरे ख्याल से। तो मेरे सक्सेसफुल जो मैंने करियर किया है 37 साल का, उसमें मेरे पीछे 2 औरत है, 2 औरत बोले तो 2 पत्नी नहीं, मेरी एक माँ है और दूसरी पत्नी है। मेरी माँ ने मुझे बहुत जो कुछ सिखाया, मेरी माँ टीचर थी, मेरी माँ ने जो सिखाया और माँ के बाद मेरे पत्नी ने जो मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए मैं सफल रहा हूँ। और उसको समझाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्या क्या है, वो समझ के लिया, इसलिए तो अभी मैं सक्सेस हूँ। और अभी रिटायरमेंट के बाद मैं फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। सर, आपके जो बच्चे हैं, आप उनको इसी विभाग में अब डालना चाहते हैं ऐसा कुछ अधिकारी के रूप में, या फिर आप उनको कुछ और? नहीं, अभी क्या है कि हमारा जनरेशन अलग था, नया जनरेशन अलग है। नए जनरेशन के और पुराने जनरेशन में बहुत सारे कम्युनिकेशन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के गैप बहुत है, ऐसा मुझे लगता है। नया जनरेशन जो है थोड़ा सा उनकी सोच अलग रहती है। तो मेरा ऐसा कहा है, जैसे मुझे पीडब्ल्यू में काम करते समय फ्रीडम मिला,
वैसे नए जनरेशन के लिए मेरे बच्चों को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है और दूसरी बेटी वो भी इंजीनियर है, उनको मैंने कभी कंपल्सन नहीं किया कि तुम पीडब्ल्यू में काम करो, तुम ये काम करो, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे काम करो। उनको फ्रीडम देना चाहिए, हर एक को फ्रीडम देने के बाद वो अच्छी तरह से काम कर सकता है, ऐसा अपना एक लॉजिक है। तो उस हिसाब से उनको मैंने फ्रीडम दिया, उस हिसाब से वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। सर मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना है आपका, लोग मतलब जहाँ पर अधिकारियों की बात आती है पीडब्ल्यूडी भाग में, अहमदनगर में, मैं भी काफ़ी टाइम से हूँ अभी यहाँ पे, तो मैंने सुना है आपकी लोगों के अंदर एक चाहत है, एक रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है सर। एक नॉर्मल अधिकारी मैंने देखे हैं, मेरे हिसाब से पहली बार मैंने किसी अधिकारी के लिए इतनी रेस्पेक्ट देखी है लोगों की, तो वो ऐसा आपने सर क्या किया जो मतलब इतना रेस्पेक्ट इतना सम्मान मिला सर आपके यहाँ से? वैसे मैंने आपको फिलहाल बताया कि मैं 35 साल से नगर जिले में काम कर रहा हूँ, पीडब्ल्यू में काम कर रहा हूँ। आपको जैसे बताया आपने कि पीडब्ल्यू के बहुत सारे आपको, लेकिन महाराष्ट्र पीडब्ल्यू का स्टेटस बहुत अलग है और मैं अहमदनगर जिले का स्टेटस ही बहुत अलग है। अहमदनगर जिला बहुत सेंसिटिव है। सर लोगों तक आपकी बात पहुँची है, मतलब जैसे ये होता है कि अधिकारी काम करते हैं और वो जैसे नेता होते हैं, सर नेता तो अपने भाषण में सब कुछ बता देते हैं कि हमने ये किया वो किया मैंने ये किया, बट अधिकारियों का काम जनता को दिखता नहीं है। शिकायतें लेकर तो जनता चली जाती है लेकिन जो तारीफें होती हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो आपका काम लोगों तक सर कैसे पहुंचा कि वो मतलब लोगों की जुबान पर भी सर आपका ही नाम रहता है? नहीं, कैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अधिकारी रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं समझा कि मैं अधिकारी बोले तो मैं 24 घंटे अधिकारी हूँ। मैंने खाली कुर्सी जब 8 घंटे ऑफिस आवर्स में खाली मैं ऑफिसरी रोल में, ऑफिसर का रोल में रहा हूँ। बाद में जब मैं बाहर निकलता हूँ, साइड पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे उसमें आउटपुट अच्छा मिलता है। फिर मैंने लोगों को पहचाना, उनकी शिकायत पहचानी, उनके जैसे उनसे मिला, फिर क्या होता है हमारे अधिकारी में उनसे मिलना थोड़ा सा स्टेटस के बाहर उनको लगता है, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की शिकायत सुने, लोगों के पास जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें आपने जाना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, जो कुछ काम करना है उसके पहले उनसे साथ अगर डिस्कस कर दिया कि मतलब क्या करना चाहिए। जमीनी स्तर पर सारी चीजें जाके, जमीनी स्तर से लोगों में जाके, लोगों से घुल मिल कर, लोगों से पूछ के, उनके शिकायत सुन से अगर काम कर दिया है तो उसमें आपको चुनौती कम रहती है और आपको काम बहुत आसान और अच्छा मिल जाता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिल जाता है आपका। बाकी के जो अधिकारी हैं वो ये सोचते हैं कि हम जनता से क्यों मिले, वो अपनी कुर्सी का थोड़ा सा रोब उनको फील, हाँ थोड़ा सा हर एक का सोच अलग है, लेकिन जब जो हार्ड वर्कर रहता है, जो डिवोशनल रहता है, वो अब कभी सोचता नहीं कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं क्लास वन ऑफिसर हूँ, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं। लोगों को शिकायत सुननी चाहिए, लोगों की शिकायतें ज़्यादातर उनके दर्द रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सुनने चाहिए। वो प्रॉब्लम सुनने के बाद अगर उनको समझाया जाए कि नहीं काम तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसा है, अगर उनके प्रॉब्लम से हिसाब से अगर काम कर दिया जाए तो उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व जाते हैं और डिपार्टमेंट के भी जो अचीवमेंट है वो जाते हैं। ऐसा सर अभी जैसे आपने बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा टाइम अपने परिवार को देना चाहते हो, तो सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने मतलब पूरे तरीके से पूरी ईमानदारी से अपनी बातें रखी, अपनी सारी तमाम अपने आपके काम आपने बताए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको हमारी पूरे टीम की तरफ से भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि आप अब जिंदगी के अगले पड़ाव में जाने वाले हैं एक तरह से रिटायरमेंट के बाद, जो कि आप अपने पूरे परिवार को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने पूरा टाइम जो है सर अपना एक तरह से समाज को, जनता को, इन सबको दिया है, लेकिन अब आप पूरा परिवार को देना चाहते हैं। तो सर मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। मैं भी आपके चैनल ने, एमके चैनल ने मुझे आज जो आपके स्टूडियो में बुलाया और मुझे जो सम्मान दिया मुझे और आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और एमके चैनल के हमारे दोस्त जो है शेख जो है, मेरे बहुत पुराने दोस्त है, उनके सपोर्ट से और मीडिया के सपोर्ट से पूरा अहमदनगर पीडब्ल्यू और अहमदनगर पूरे पॉलिटिशियंस, पूरा जनता के सपोर्ट से मैं आज 31 मई को रिटायर हो रहा हूँ। आपकी जो शुभकामनाएं दी है उस शुभकामना के तौर के ऊपर मैं सेकंड इनिंग शुरू करना चाहता हूँ।
इसके लिए आपने जो बुलाया उसके वापस धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग में जिन्होंने काम किया है और एज ए कार्यकारी अभियंता उन्होंने काम किया है और उनके काम लगातार सुर्खियों में रहे हैं, अच्छी वाली सुर्खियों में, जिनको बेदाग तरीके से हमने बताया था पहले भी आपको कि उनका पूरा काम बेदाग तरीके से रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा चुनौती भरे काम किए हैं। आज हमने आपको उनसे रूबरू करवाया है। इस तरह की तमाम चर्चाओं और तमाम इनके बारे में जानने के लिए लगातार देखते रहिए एमकेएन न्यूज़, क्योंकि हमें सच के साथ और सच की बात है।